गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 10 और मैं सो के उठी हूँ। लेट हो गया बिकॉज जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो बाहर निकलना तो नामुमकिन रहता, तो घर में ही सब गेम खेलना हो गया, कुछ ना कुछ टाइम पास करते, इसलिए लेट सोना होता। वो टाइम से सोना नहीं, उठना कुछ भी नहीं, तो मतलब लेट हो जाता था, इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गया ना, तो मैं 9 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ।
तो पुलिस के डंडे खाओगे, तो इससे अच्छा तो है कि आप घर में ही रहो। मैंने एक घंटे दो घंटे पबजी वगैरह खेली, मैं बोर हो रही थी, क्या कर इंसान घर में। उसके बाद गेम बहुत सारे खेलने के बाद मतलब खुद को भी नींद आने लगता, तो फिर मैं तो सो गई थी। अभी मैं उठी तो मैं लूडो खेल रहे हैं, और मैं उठी जस्ट। देखिए बाहर का माहौल भी कितना शांत है, कोई दिख ही नहीं रहा है। सुना सुना है पूरा, देख रहे हो कैसे तुम सुना पड़ा। वो देखो सामने सामने सरकारी भंडार है। अभी रात के बज रहे हैं 10:30, और हमारा डिनर वगैरह सब कंप्लीट, डिनर वगैरह हो गया। अब मैं आज आप लोगों को एक फेस पैक के बारे में बताऊंगी कि आप रात में इस फेस पैक का यूज़ करेंगे तो आपका फेस ना काफ़ी ग्लोइंग इस और क्या बोलते हैं, आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ब्राइटन लाइटन सब हो जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके लिए, सबसे पहले हम मसूर के दाल को एक या दो घंटे के लिए भिगो देंगे। ये एक घंटे के लिए भिगो देंगे। एक घंटे होने के बाद आप इसे अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद इसका पानी निकाल के दो घंटे बाद पानी निकाल के इसे आपको पीस लेना है। इसके बाद आपका ये जो मसूर का दाल है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे आपको दरदरा पीस लेना है। फिर आपको एक बाउल लेना है और उसमें ये मसूर का दाल जितना दरदरा है उतना पीस लेना है, और इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, इसमें ऐड करना पड़ेगा बेसन। एक चम्मच बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद आपको दो बादाम लेना पड़ेगा। बादाम को थोड़ा दरदरा कूट दीजिए, तरीके से कूट लीजिए बादाम को, और इसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद इसमें दूध आपको ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही,
टेबल स्पून मैंने वन नहीं वन हाफ किया है. उसके बाद इसमें ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर. अब इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको टर्मरिक पाउडर वन टेबल स्पून. उसके बाद इसमें ऐड करना है ऑरेंज पाउडर. देखिए अच्छे से पूरा मिक्स हो गया है. अब इसे आप चाहे ब्रश से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं आपको जैसा सही लगे. तो मैं यहाँ पे हाथों से ही लगा रही हूँ, अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ. इसे धो लेना है. सबको ये मेरा होम रेमेडी फेस पैक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय. और प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए और लोगों को भी सेफ करिए. आज के लिए बस इतना ही. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.